तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क के लिए। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे और कुछ बेसिक टूल्स जो आप सभी लोगों को यूज़ करने चाहिए ब्लेंडिंग स्मूथ करने के लिए, टेक्सचर अच्छा टेक्सचर स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए, तो वो बातें भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को देखते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमको क्या क्या चाहिए ब्लेंडिंग करने के लिए, तो सबसे पहले ब्रश आते हैं। ब्रश में आप मार्केट से ऐसा ब्रश भी ले सकते हैं या फिर आप ये मेकअप ब्रश का सेट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। इस टाइप के ब्रश भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और दूसरी चीज़ आपको चाहिए पेपर स्टम्प्स, ये आप परचेज़ कर लीजिए, ठीक है, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। और ब्लेंडिंग स्मूथ करने के लिए टिश्यू पेपर का भी यूज़ करते हैं और कॉटन बड्स का भी यूज़ करते हैं। मैं यूजली कॉटन बड्स का यूज़ नहीं करता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्लेंडिंग कैसे स्मूथ करी जाए, और पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा है। तो मैं ये आइवरी शीट के ऊपर, ये आर्टवर्क जो है आइवरी शीट के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं स्टेडलर की HB पेंसिल। सबसे पहले आपको स्ट्रोक्स कैसे लगाने हैं, स्ट्रोक्स भी आपको बहुत हल्के हल्के ही लगाने हैं, बिल्कुल लाइट। हम हमेशा चलते हैं लाइट से डार्क। सबसे पहले हमें लाइट स्ट्रोक्स का यूज़ करना है, एकदम पूरा यूजली अच्छे से स्ट्रोक्स जो हैं वो लगाने हैं। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत जल्दी आपको ये नहीं कि दो ही मिनट में पूरा स्केच बना देना है। अगर आपको रियलिस्टिक स्केच करना है तो उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको डार्क शेड करना है वहाँ पे आप थोड़ी सी पेंसिल का प्रेशर जो है वो बढ़ा दीजिए और फॉर्मली पूरा अच्छे से शेड कीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करते हैं और फिर देखते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपको थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए है उसी में, तो आपको सिर्फ पेंसिल का जो प्रेशर है उसको बढ़ाना है, ना कि आपको HB से चेंज करके सीधे आप 6B 8B का यूज़ करने लगेंगे, तो वो उसमें आपका स्केच जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपको सिर्फ पेंसिल का प्रेशर को और डार्क चाहिए तो और डार्क करने के लिए आपको सिर्फ पेंसिल के प्रेशर के ऊपर ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल एकदम ब्लैक अगर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो आपको डार्क पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप हमेशा लाइट टू डार्क ही शेड कीजिए। और बिल्कुल पेशेंस के साथ में वर्क कीजिए, कभी भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में जो है काम सारे ख़राब हो जाएंगे, आपका आर्टवर्क भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान से और आराम से काम करना सीखिए। और हमें सर लेयर बाय लेयर चलिए। सबसे पहले लाइट लेयर डालिए, उसके बाद में उसको और डार्क पेंसिल से, और डार्क जितना डार्क आपको चाहिए उतना डार्क आप करते जाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सडन पूरा फर्स्ट लेयर से ही आपको अगर पूरा डार्क कर देंगे आप, जैसे 6B और 8B का यूज़ करेंगे, तो वो मज़ा नहीं आएगा, आपको बहुत ऑड लगने लगेगी वो ब्लेंडिंग। तो आपको हमेशा लाइट टू डार्क ही चलना है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम पेंसिल को चेंज करके इसमें हम 2B पेंसिल का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा डार्क चाहिए ये एरिया, तो उसके लिए हम 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो ग्रेड वाइज भी आपको चलना है, ऐसे HB सबसे लाइट, उसके बाद में आप 2B का यूज़ कीजिए, और ज़्यादा डार्क की ज़रूरत हो तो 4B 6B 3B की भी 3B भी पेंसिल्स आती हैं, तो आप वो
ऐसे तरीके से आपको चलना है। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लेंड करना। ये वाले ब्रश से पहले देखेंगे, उसके बाद में हम जो हमारे पास दूसरे ब्रश हैं उनका भी यूज़ करेंगे। आपको ब्लेंडिंग करने के लिए स्ट्रोक्स कैसे लगाने, इस तरीके से गोल गोल राउंड राउंड, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरीके से आप राउंड राउंड ही हमेशा ब्रश को चलाइए, जिससे कि और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। कभी ऐसे 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 मत यूज़ कीजिए, कभी भी ऐसे या ऐसे मत यूज़ कीजिए। अगर आपकी पेंसिल इस डायरेक्शन में है तो आप ब्रश इस डायरेक्शन में चलाइए, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और सबसे बेस्ट है कि आप राउंड ब्रश का यूज़ कीजिए, मतलब राउंड राउंड ब्रश के स्ट्रोक्स ऐसे चलाइए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इस ब्रश का भी यूज़ करके देखते हैं। जैसे ये जो छोटे ब्रश होते हैं, इनके पॉइंट छोटे होते हैं, वो ब्रश जहाँ पे आपको बहुत महीन काम करना है, डिटेल्स वगैरह पे, वहाँ पे ये ब्रश काम में आ जाते हैं। जिस तरीके से मैं ब्लेंडिंग करता हूँ, मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डार्क शेड चाहिए, तो उसके ऊपर दोबारा से एक लेयर और जो है आपको करनी है। एक बार में ही सारी लेयर इसके ऊपर ऑप्ट मत कीजिए, लेयर बाय लेयर ही चलिए, जिससे कि आपका आर्टवर्क जो है वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। बिल्कुल जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसे ही करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब इसकी जो स्मूथनेस, इसको और बढ़ाने के लिए हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प्स भी बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले आप ब्रश कीजिए, उसके बाद में आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ कीजिए। इसको हम पेपर स्टम्प्स भी बोलते हैं। अमेज़ॉन से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आपका सभी चीज़ों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ब्लेंडिंग स्टम्प्स भी आपको राउंड राउंड ही चलाने हैं, ये ऐसे 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 बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं काम करना है। बेसिक चीज़ें सीख लीजिए, बस यही आपको आगे काम आएंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलिए अब हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और आप जो मेरी बताई हुई बातें हैं इनको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।